कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 72,000 रुपये देने का वादा किए जाने पर मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश यादव ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि न्यूनतम आय योजना के माध्यम से हमारी सत्ता आने पर 25 करोड़ लोगों को जिनकी आय 12,000 रुपये से कम है बिना भेदभाव के सभी जाति धर्म को 72,000 रुपये प्रतिवर्ष उनके खाते में भेजा जाएगा। इस योजना से बहुत हद तक हम गरीबी पर कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेस वार्ता में डॉक्टर अजीज, डॉक्टर पीएन भट्ट, संजय चौबे, रामनिवास निषाद, धनंजय मिश्रा, जयंत पाठक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल जी ने जो न्यूनतम आय योजना का शुभारंभ किया है, वादा किया है लोगों से कि हमारी सत्ता आने पर 25 करोड़ लोगों को जिनकी आय 12,000 रुपये से कम है बिना भेदभाव किए सभी जात धर्मों को 72,000 रुपया प्रतिवर्ष उनके खाते में भेजा जाएगा। हम लोगों का मानना है कि ये बहुत बड़ी योजना है, बहुत हद तक हम गरीबी पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमारी पार्टी ने महात्मा गांधी रोजगार योजना चलाकर 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का कार्य किया। आज उसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ये घोषणा की है, ये बड़े हर्ष की बात है कि हम गरीबों के बारे में, हम किसानों के बारे में हमारी पार्टी लगातार सोच रही है और हम केवल वादे नहीं करते, हम काम पर विश्वास करते हैं। और इसका उदाहरण तमाम राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसी दिन हमने जो वादा किया था उसको पूरा किया। 72,000 करोड़ रुपया हमने इसके पहले किसानों के कर्ज माफ़ किए थे और इस योजना के से हमें और पूरे कांग्रेसजनों में, पूरे कार्यकर्ताओं में, आम जनमानस में भी बहुत उत्साह है। उसी को लेकर आज ये प्रेस वार्ता हमने